2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और कल अंतिम दिन है जहां सातवें चरण का चुनाव होगा। आज मैं जो हमारा चुनाव प्रचार था 13 अप्रैल से, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हमने 77 दिनों में चुनाव आयोग को 118 शिकायतें प्रस्तुत की। ये 118 शिकायतें आचार संहिता का उल्लंघन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का उल्लंघन है। इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी और ये सारा डिटेल हमने एक टेबल भी बनाकर आपको मिल जाएगा अगले 5-10 मिनटों में। पर कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं। इस पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई नहीं हुई है, इसकी भी जानकारी यहां दी गई है। इस 117 शिकायतों में 14 शिकायत सिर्फ प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ 8 शिकायतें हैं, निवर्तमान गृहमंत्री के खिलाफ 3 शिकायत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के खिलाफ, ये सब जानकारी आपको मिल जाएगा। मैं कुछ सारांश दे रहा हूं आपको। 117 शिकायतों में से निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ 14 शिकायतें हैं उल्लंघन का, 8 शिकायतें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, 3 निवर्तमान गृहमंत्री के खिलाफ हैं और बीजेपी अध्यक्ष स्मृति ईरानी, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी कुछ शिकायतें हैं। कुल मिलाकर 117 शिकायतें हैं और जहां जहां कार्रवाई हुई है, पर मोटे तौर से मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे शिकायतें हैं जिस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पर इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि 13 अप्रैल से लेकर 30 मई तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को 117 शिकायतें प्रस्तुत की। चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों का उल्लंघन, जिसका हमने ये जिक्र भी किया है। अफसोस की बात है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, निवर्तमान गृहमंत्री के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं दी गई और ये जानकारी आपको मैं दे दूंगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, पिछले 72 दिनों में जब से प्रधानमंत्री ने अपनी चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, पिछले 72 दिनों में हमने प्रधानमंत्री से 272 सवाल पूछे। खड़े हो जाए। ये अंग्रेजी और ये हिंदी है। और ये सवाल जब कहीं जाते थे, 3 या 4 सवाल हम उनसे पूछा करते थे। तो इस रिपोर्ट का
शीर्षक है 72 दिन 272 सवाल 0 जवाब भाग मोदी भाग। तो ये सारे सवाल जो हमने उठाए हैं, आखिरी सवाल जो हमने उठाया था जब प्रधानमंत्री होशियारपुर गए थे, निवर्तमान प्रधानमंत्री होशियारपुर गए थे, तो 272 सवाल हमने पूछे हैं, एक जवाब भी नहीं आया है। पर प्रधानमंत्री ने एक चीज तो नोटिस उन्होंने कर ली और उनको थोड़ा बुरा लगा कि एक सवाल के संदर्भ में हमने निवर्तमान शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। और उन्होंने कह दिया, देखिए अभी ये हमें निवर्तमान शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका माने ये है कि हम हार मान गए। वो गलती होगी, एक दिन एक सवाल के संदर्भ में वो निवर्तमान शब्द निकल गया, पर होशियारपुर तक हमने निवर्तमान प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो असली बात यह है कि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो ये सवाल भी आपको मिल जाएगा। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी का जो अभियान रहा है, जो चुनाव प्रचार रहा है, बड़ा सकारात्मक एजेंडा और नैरेटिव जो तय किया गया है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नतीजा है। पहली बार 23 जनवरी को, 23 जनवरी 2024 को राहुल गांधी जी ने गुवाहाटी में हमारे 5 न्याय का कार्यक्रम की घोषणा की थी। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। 23 जनवरी को पहली बार राहुल जी ने ये 5 न्याय का कार्यक्रम का जिक्र किया था। 5 फरवरी 2024 को राहुल जी ने रांची में हिस्सेदारी न्याय की बात की और हिस्सेदारी न्याय को लेकर क्या हमारे 5 गारंटियां हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। 13 फरवरी को अंबिकापुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी दोनों ने किसान न्याय को लेकर, जो हमारे 5 गारंटियां हैं, एमएसपी को लेकर, कर्जा माफ गारंटी को लेकर, जो 5 गारंटियां हैं उनकी घोषणा की। ये 13 फरवरी 2024 को। तब 7 मार्च 2024 को बांसवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने युवा न्याय को लेकर, जो हमारे 5 गारंटियां हैं उसकी उन्होंने घोषणा की। 12 मार्च को नंदूरबार में राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी के आदिवासी संकल्प, 5 सूत्री आदिवासी संकल्प, आदिवासी न्याय संकल्प की घोषणा की। 13 तारीख को धूले में राहुल जी ने नारी न्याय को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि हर गरीब परिवार के एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया सीधा उनके खाते में भेजा जाएगा, वो धूले में 13 मार्च को उसकी घोषणा की गई। 14 मार्च को नासिक में, जहां हमारे शरद पवार साहब भी मौजूद थे, शिवसेना के नेता भी मौजूद थे, नासिक के एक मंडी में राहुल जी ने किसान न्याय को लेकर फिर से, जो हमारी गारंटियां हैं उन्होंने दोहराया। और
अंत में 16 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बेंगलुरु में श्रमिक न्याय को लेकर जो हमारे 5 गारंटियां हैं उसकी उन्होंने घोषणा की। तो आप देख सकते हैं 23 जनवरी से लेकर 16 मार्च तक कांग्रेस पार्टी ने 5 न्याय 25 गारंटी का कार्यक्रम हमारे देश की जनता के सामने रखा, जो हमारे घोषणा पत्र न्याय पत्र में शामिल किया गया था। चौथी बात, 29 अप्रैल पाटन से, गुजरात से राहुल जी अपने सार्वजनिक सभाओं में भारत, ये है भारत का संविधान, इन्होंने इसको दिखाकर, अपने रैली में दिखाकर जो हमारा संकल्प है, जो हमारा गारंटी है सामाजिक न्याय को सुरक्षित रखने का, जाति जनगणना करवाने का, और जो 50% सीमा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 1992 में सीमा तय किया था उसको बढ़ाने का गारंटी भी राहुल जी ने किया। ये 29 अप्रैल से ये अपने हर सभा में, हर रैली में ये किताब भारत का संविधान ये दिखाते थे और हमारी गारंटियां को दोहराते थे। तो हम समझते हैं कि हमारे चुनाव प्रचार के कारण, हमारे 5 न्याय 25 गारंटी के कारण, और जो हमने प्राथमिकता संविधान को सुरक्षित रखने के लिए जो हमने, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने बार बार इसको दोहराया, हम समझते हैं कि यही वजह है कि इंडिया जनबंधन को स्पष्ट और निर्णायक बहुमत जरूर मिलेगा 4 तारीख को।